फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुस ऑनलाइन रेसिपीज़। आज हम लोग बनाएंगे आलू चीज़ पराठा, जो कि इतना टेस्टी और यम्मी कि आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। सबसे पहले हम लोग आटा को गूंथ के रखने के लिए उसकी तैयारी करते हैं। तो एक कप हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम लोग आटा गूंथ लेंगे। आटा हमारा है जो कि जैसे हम लोग अपने रोटी और बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं, ठीक उसी तरह से हमें इसका सॉफ्ट डो हमें तैयार करना, मतलब मीडियम जैसा रहना, ना हार्ड ना एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा बराबर एकदम मीडियम हम लोग का रहना चाहिए। आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से हम लोग का ऐसा डो हम लोग का आटा का रहना चाहिए। अब इसे हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं ताकि आटा हम लोग का अच्छे से भीग जाए। अब इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आलू का मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू, जिसे मैंने बॉयल करके स्मैश कर लिया है। अब उसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, फिर थोड़ी सी धनिया पत्ती जो कि हमने चॉप करके रख ली है, थोड़ा नमक टेस्ट के हिसाब से, आधी छोटी चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम लोग डाल देंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर जो कि हमने 1/4 जितना टीस्पून लिया छोटी चम्मच से, थोड़ा सा नींबू का रस उसमें थोड़ा खट्टापन देने के लिए, आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, फिर काला नमक 1/4 छोटी चम्मच। अब इन सबको डाल करके हम लोग मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से एकदम। अब हम लोग दूसरी जो स्टफिंग इसमें हम लोग जो पराठा में करेंगे उसकी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप जितना पनीर। पनीर को हमने आगे ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्ची जो कि हमने चॉप करके रखी थी, थोड़ी सी गाजर चॉप की हुई ऑरेंज वाली, और पत्ता गोभी, ये सब हमने थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल दी है, अंदाज से सब्जी आप डाल लीजिए, और थोड़ा सा प्याज, ये सब सब्जी आप अपने हिसाब से कम बेसी या चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती। और अब यहाँ पे अब डालेंगे हम लोग 1/4 चम्मच जितने काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जितना भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से। अब यहाँ पे साथ में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना चाट का मसाला। अब इन सबको हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप जब भी कोई भी मसाला और अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसे आप एक बार टेस्ट कर लें कि सब चीज़ हमारी बराबर परफेक्ट है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग कम बेसी अपना कर सकते हैं। अब आटा हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग आटा भीग गया है पूरा। अब हम लोग अपने चकले के ऊपर में हम लोग थोड़ा सा घी डालेंगे। अब उस पर स्प्रेड करके उसको घी को आटे को थोड़ा सा मठा लेंगे, इस तरह से हाथ की मदद से उसको मिठा लें, जिससे हमारी जो रोटी और जो भी हम लोग जो बनाते हैं बहुत अच्छी बनती है। कभी भी हम लोग जो रोटी और जो बनाते हैं तो इस तरह से करने से उसकी बहुत ही आटे में लचकपन बहुत अच्छा आ जाता है, फिर और रोटियां भी हमारी बहुत अच्छी बनती है। अब इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। ये हम लोग एकदम स्ट्रीट स्टाइल के अंदर मैं आपको पराठा बता रही हूँ, इसीलिए हम लोग थोड़ा बड़े साइज़ के अंदर में हम लोग इसकी बॉल्स जो है, क्वांटिटी जो है बॉल की, बहुत थोड़ी बड़ी में हम लोग लेंगे। तो इस तरह से हम लोग दो इसकी बॉल बना लेंगे। अब थोड़ा सा आटे में इसको लपेट करके सूखे आटे में इसके हम लोग छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, लगभग 6 से 7 इंच जितनी हम लोग रोटी इसकी बना लेंगे। हमारी ये रोटी अभी मोटी रहेगी, बस ये इतनी साइज़ के हम लोग बनाएंगे। तो अब इसे एक बार साइड में कर लेते हैं, और जो दूसरी जो हमने बॉल बना के रखी थी उसकी भी फिर से हम लोग रोटी बना लेंगे, वो भी हम लोग लगभग उसी के साइज़ की जितनी बराबर ही हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग की लगभग उतनी साइज़ की हो चुकी है। इसके अंदर हम लोग जो स्टफिंग हमने आलू और पनीर की थी वो डालेंगे, पर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है और इससे हम लोग का पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चीज़ आप अपने हिसाब से अच्छे से एकदम आप इसमें डाल दीजिए। अब उसके बाद में हम लोग डालेंगे आलू का मसाला जो हमने तैयार किया था, अब उसे हम लोग थोड़ा बीच के अंदर स्प्रेड कर देंगे। फिर अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पनीर का मसाला जो हमने बना के रखा था, उसे भी हम लोग अच्छे तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर फिर से अब हम लोग चीज़ को ग्रेट करेंगे। लगभग पूरा एक बड़ा वाला जो स्लाइस आता है वो हमारा इसमें अच्छे से आधे से, मतलब 3/4 जितना हमने इसमें यूज़ कर लिया है। अब इसे हम लोग फिर से कवर कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से कवर करके सारा मसाला हम लोग फिंगर की मदद से इसे अंदर डाल करके चारों तरफ से इसे हम लोग दबा देंगे ताकि अच्छे से वो सील हो जाए, और आटा के जो मसाला है, जो हमारी स्टफिंग जो बाहर नहीं निकल का है, उस तरीके से इसे दबा करके एकदम कर दीजिए। ये देखिए कितना ऊपर हो रखा है, बीच में से हमारा
अब एक तो हम लोग फिर से आटा डालेंगे और उसके ऊपर जो हमने स्टफ करके जो पराठा रोल बनाया था वो इसके ऊपर हम लोग अब रख देंगे। ऊपर से भी आटा डाल करके फिर से इसे हम लोग थोड़ा बेल करके पतला करेंगे इसे, ताकि एक इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। हमारा जो बीच में से उठा हुआ था वो मसाला अब हम लोग रोलर पिन की मदद से एकदम स्प्रेड कर देंगे रोलर बोर्ड के ऊपर में। इसको ये इस तरीके से देखे, ये साइज़ का हमारा हो गया, लगभग 10 से 11 इंच का ये वाला हमारा पराठा बन करके एकदम तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको सेकने के लिए एक तवा को लेंगे जो अच्छे से एकदम गर्म हो जाना चाहिए, हल्का गर्म नहीं, अच्छा एकदम गर्म होना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग उसको रोटी को जो पराठा है जो उसको पलट करके डालेंगे पहले, और इसे हम लोग हाई पर ही इसे हम लोग सेकेंगे। जब नीचे से जब सिक जाएगा तब इसको हम लोग पलटेंगे, इस तरह से हम लोग का सिका हुआ होना चाहिए नीचे की तरफ से। अब दूसरे भी सेक नीचे से जब सिकेगा तभी हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा पहले ऑयल डाल करके उसे पूरा स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, सब जगह हम लोग का तेल अच्छे से लग जाना चाहिए, इतना ध्यान रखें। तेल लगने के बाद में इसे हम लोग अब पलट देंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसका छोटा साइज में बना सकते हैं, जो हमने एक बोल ली थी उसके फिर आप दो भाग में करके छोटे छोटे बना सकते हैं। और यहाँ पे दबा करके उसे हम लोग अच्छे से सेक लेंगे। मैंने स्ट्रीट स्टाइल में आपको बताया इसलिए मैंने बड़ा पराठा बनाया यहाँ पर। अब फिर से इसके ऊपर हम लोग तेल डाल करके उसे अच्छे से स्पून की मदद से हम लोग स्प्रेड कर देंगे। आप तेल की जगह यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं या घी भी आप डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसे फिर से हम लोग फ्लिप कर देंगे ताकि दोनों तरफ से हम लोग का तेल के अंदर में वो एकदम सिक जाए तेल के साथ में, और टेस्ट उसका बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर इस तरह से दबा लेंगे उसे। ये हमारा आलू चीज़ी पराठा तैयार है। इसे आप इसे ज़रूर एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, और इतनी गारंटी है कि अगर एक बार इसे आप खा लेंगे ना तो आप बार बार इसे खाना चाहेंगे, इतना सबको ये पसंद आता है। अब इसे हम आपको कट करके हम लोग इसको छोटे पीस में कर लेते हैं। नाइफ की मदद से हम इसके कट कर लेंगे, सबसे पहले मिडल से इस तरीके से, फिर अब इसे और फिर आधा कर लेंगे। मीन्स चार पोर्शन में हम लोग कर लिए हैं, अब एक पोर्शन को और हम लोग कट कर लें ताकि वो इजीली हमारा हो जाए। अब मैं आपको ये देखिए इस तरह से हमारा ये पराठा तैयार हो गया, उसके अंदर की स्टफिंग्स दिखाती हूँ मैं आपको, किस तरह से एकदम पूरा वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चीज़ का, आलू का, पनीर का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। यह हमारा पराठा एकदम तैयार हो गया है, इट्स रेडी टू सर्व। आप इसे दही चटनी किसी के साथ खाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड